नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले के राम पायली थाना अंतर्गत ग्राम साकड़ी निवासी गरीब मजदूर महिला अंजू चौहान ने 16 फरवरी को थाना राम पायली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अपनी नाबालिग बेटी की सकुशल घर वापसी की गुहार पुलिस से लगाई है। पीड़ित महिला अंजू चौहान ने बताया कि सिवनी जिले की तहसील बरघाट अंतर्गत ग्राम केकरई के रहने वाले एक युवक ने उसकी पुत्री को बहला फुसला कर नागपुर उसके चाचा के यहाँ से विगत सप्ताह भगा कर ले गया। प्रार्थी महिला ने बताया कि इस घटना का पता चलने पर जब वो अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ उक्त युवक के ग्राम उसके घर पहुंची तो उसने लड़की को उसके परिजनों के साथ वापस भेजने से मना करते हुए उन्हें धमकी तक दे डाली और लाख मिन्नतें करने पर भी नहीं माना और नाबालिग लड़की से शादी करने के लिए शादी के कार्ड तक छपवा लिए हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी बेटी की उम्र अभी 17 वर्ष होने को है और वो नाबालिग होने के साथ साथ नासमझ भी है और इस रिश्ते से उन्हें इनकार भी है। चूंकि लड़की नाबालिग है इसलिए पुलिस द्वारा लड़की की मां की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए एक पुलिस टीम लड़की को सकुशल लाने और आरोपी युवक को गिरफ्तार करने जिला सिवनी बरघाट के ग्राम केकरई रवाना कर दिया है। हालांकि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है, चूंकि लड़की नाबालिग है इसलिए शिकायत को पुलिस द्वारा गंभीरता से लिया गया है। आपका नाम बताइए। अंजू चौहान। क्या नाम बताए? अंजू चौहान। कहाँ रहते हैं आप? साकड़ी। बताइए, आज यहाँ पे राम पायली के थाना कैसे आना हुआ आपका? वो राम पायली थाने में आए रिपोर्ट लिखवाने के लिए। किस मामले की रिपोर्ट है? वो लड़की चले गई ना, नागपुर से लेके गया वो लड़का। अच्छा, कब लेके गया? बुधवार को। बुधवार को लेके गए। क्या उम्र थी लड़की की? 17। 17 साल की। हाँ। होने को है। होने को ही। अच्छा, तो आप जो है किसने लेके गए? वो लड़के ने लेके गया, बरघाट वाले ने। नाम क्या लड़के का? नाम है नंदकिशोर। नंदकिशोर कहाँ रहने वाला है? केकड़ाई। ये केकड़ी कहाँ पड़ता है? बरघाट। अच्छा, सिवनी वाला बरघाट। तो लड़की को उसने कहाँ से लेके गए आपकी? नागपुर। नागपुर क्यों गई थी आपकी लड़की? वो मेरे चाचा के पास, उसके चाचा के पास में रहती थी ना। अच्छा अच्छा, वहाँ से लेके गए। वहाँ से लेके गया। ये कब की घटना है? ये बुधवार के दिन की। बुधवार के दिन की घटना है, मतलब अभी ये विगत बुधवार की घटना है। हाँ, ये बुधवार आया, 8 दिन हुआ। अच्छा, एक जानकारी और लगी थी कि आप जो अपनी बच्ची को लेने के लिए वह ग्राम भी गए थे केकड़ी? हाँ, वहाँ गए थे ना। तो क्या बोला लड़के ने और उसके घर वालों ने? उनने घर वाले ने बोले हम लोग लड़की नहीं भेजते बोले। क्यों? वो करना है वो कर लो बोले। अच्छा, हम लोग लड़की नहीं भेजते बोले, पहली बार गए थे। अच्छा, तो कुछ शादी भी कर रहे हैं उस लड़की के नाबालिग होने के, एक जानकारी लगी है कि लड़की की उन लोग वही शादी कर रहे हैं, लड़के से वही शादी कर रहे हैं। लड़का कर रहा है? हाँ। कहाँ? वही केकड़ी गांव में। केकड़ी। अच्छा, तो उसी की कंप्लेंट लिखाने आप आए हैं? हाँ। क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं आप बताइए? वहाँ पे शादी नहीं होना चाहिए बोल के, अभी उम्र में कमी है ना, इसलिए शादी नहीं कर, रोकने वाली हूँ मैं शादी। हो जाएगी 19 साल की 21 साल की जब मैं शादी करूँगी बोल। अच्छा, मतलब आपकी मर्जी के खिलाफ में, परिजन के मर्जी के खिलाफ में लड़का लड़की को उठा के ले गया। हाँ। और जबरन शादी कर रहा है। हाँ। क्या नाम बताया था आपने अपना? नंद किशोर, वो लड़के का जी। और आपका? अंजू चौहान। शुरू करें। सर, ये मामला जो है कटंग टोला का एक आया हुआ है, महिला एक लड़की की गुमशुदा होने की रिपोर्ट जो बता रही है, क्या है सर ये मामला? ये अभी एक अंजू चौहान करके महिला आई है, ग्राम साकड़ी की, अपने आप को बता रही है जी। इसकी बच्ची 16 वर्षीय बच्ची अनामिका, वो अपने चाचा के यहाँ नागपुर गई थी संक्रांति के दौरान, और संक्रांति पर गई थी, वहीं पर एक लड़का है बरघाट का, जिला सिवनी, नंदकिशोर वासने, वो लड़का उसको वहाँ से लेके आया है। और इनका कहना ऐसा है कि पिछले शुक्रवार को ये महिला अपने परिजनों के साथ उस लड़के के यहाँ पे गए थे, तो उस लड़के ने ऐसा कहा है, लड़के ने और उसके परिजनों ने, कि हम नहीं भेजते हैं, जो करना है वो कर लो। तो अभी महिला आई है थाने पे अभी रिपोर्ट के लिए, तो मामला पंजीबद्ध कर जाँच करते हैं और मैं टीम तत्काल बरघाट रवाना करा। सर, वो लड़की की उम्र 17 साल बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि उसकी शादी के कार्ड तक जो है वो लड़के पक्ष ने छाप के रखे हैं। जांच पर से पता कर लेंगे हम, मार्कशीट और उसके जो भी जन्म संबंधी दस्तावेज हैं वो प्राप्त करके, और जैसी भी जो भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल की जाएगी। थैंक यू।